हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना वड़ा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, चटपटा और टेस्टी है। बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में, सभी को बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने लिया था 1 कप साबूदाना, 3 घंटे पहले भिगा दिया था और अब हमारा साबूदाना भीग करके एकदम तैयार हो चुका है, खिला खिला। इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज बारीक चॉप की हुई और इसी के साथ ऐड करेंगे आलू। तो मैंने आलू को बॉईल करके और कद्दूकस कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लिक्स, इससे बहुत ही अच्छा तीखा फ्लेवर आएगा। इसी के साथ ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा। और अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेशनेस के लिए ऐड करेंगे हरी धनिया की पत्तियाँ। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर साबूदाना हमारा अच्छे से भीगा नहीं रहेगा तो वड़ा हमारा फट सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि साबूदाने को अच्छे से भिगा लें। जब साबूदाना सॉफ्ट हो जाए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हमारे हाथ में चिपकेगा नहीं और हम आराम से वड़ा बना सकेंगे। तो जितना आपको वड़ा बनाना है आप उतना डो लीजिए और उसको हाथ से गोल करेंगे। जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसे ही हमें गोल कर लेना है और अब फिर दूसरे हाथ का यूज़ करते हुए हमें एकदम गोल करना है और हथेली से दबा के चपटा कर देना है। यहाँ पे गोल हो चुका है, अपनी एक उंगली हम बीच में डिप करेंगे और गोल बना लेंगे। इसका मतलब है कि होल बना करके रेडी करेंगे। तो बीच में हमने होल बना दिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्राई होगा। इसी प्रोसेस से हम बाकी वड़ा बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही फटाफट बन जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है बनाने में। सभी वड़ा हमने बना करके तैयार कर लिए, अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए चलेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गैस पर गर्म होने से रख दिया था, फ्लेम मीडियम रखेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम साइड साइड से ऑयल में वड़ा फ्राई करने के लिए डालेंगे। साइड से डालेंगे ताकि तेल के छींटे जो है वो हमारे ऊपर ना आए। पलट पलट करके वड़े को फ्राई करेंगे। जब वड़ा जो है डार्क गोल्डन कलर का हो जाएगा तो मतलब हमारा वड़ा फ्राई हो चुका है। और जब हम वड़े को फ्राई करने के लिए डालेंगे तो ऑयल से काफ़ी बबूले आते हैं और जैसे जैसे हमारा वड़ा फ्राई हो जाएगा वैसे वैसे बबूले आना कम हो जाएंगे। वड़ा डार्क गोल्डन कलर का हो चुका है, इसका मतलब कि फ्राई हो चुका है, ऑयल से बबूले भी आना कम हो चुके हैं। अब हम एक एक वड़े को आराम से ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो कलछी को कढ़ाई में थोड़ी देर रोक कर रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में निकल जाए। इसी प्रोसेस से हम बाकी वड़ा फ्राई करके रेडी करेंगे। सारा वड़ा मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है। गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।